अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डोनट्स बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप ये डोनट्स घर में बना सकते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनेंगे, सुपर सॉफ्ट बनेंगे और इतने मज़ेदार बनेंगे, मुँह में घुल जाने वाले, कि आप जब भी ये रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह आपसे बहुत परफेक्ट बनेगी। एक एक टिप और एक एक ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। मेरे चैनल मुल्तानी तड़का पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी के बाद आप यकीनन बहुत ही बेहतरीन डोनट्स बना सकेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बाउल में ले लेंगे एक कप नीम गरम दूध। नीम गरम दूध आपने ऐड करना है, ज़्यादा गरम नहीं, बिल्कुल नीम गरम करके फिर ऐड कीजिएगा। और इसमें एक अदद अंडा ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने इसमें चीनी ऐड करनी है, 2 टेबलस्पून भर कर चीनी ऐड कर देंगे। पिसी हुई चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। इसके साथ इसमें हमने ऐड करना है नमक। नमक लिया है 1/2 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून है तो बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पर वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे यीस्ट। ये जो खमीर है ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है और ये इंस्टेंट यीस्ट मैंने यूज़ किया है। 1/4 कप इसमें तेल ऐड कर देंगे जो बनता है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और अच्छी तरह से अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। इस सारे मिक्सर को मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको स्टे दिलवाएंगे, ताकि जो यीस्ट हमने इसमें ऐड की है वो थोड़ी सी फर्मिनेट हो जाए और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो 5 मिनट का मैंने इसको स्टे दिलवाया था। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर झाग आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें मैदा ऐड करना है। तो 3 कप हमें मैदा चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने ऐड किया है तकरीबन 2.5 कप के बराबर स्टेनर में। अच्छी तरह से अब हमने इसको स्टेन कर लेना है, अच्छी तरह से छान लेंगे और उसके बाद हमने मिक्सिंग करनी है। अभी जो 1/2 कप बचा कर रखा है वो हम बाद में ऐड करेंगे, उसको भी स्किप नहीं कीजिएगा। और जो टोटल मैंने यहाँ पर मैदा ऐड किया था वो 3 कप्स ही ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर जब हम मिक्सिंग करेंगे तो 1/2 कप पहले बचा लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, तो परफेक्ट डो बनेगी। जितने भी मैंने आपके साथ इन्ग्रीडियंट्स शेयर किए हैं सारे बिल्कुल परफेक्ट रहे थे। चीनी, नमक, हर चीज़ बेस्ट रही थी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जो बचा कर रखा था मैदा वो भी ऐड कर दिया है। अब हमें हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास डो मेकर मौजूद है तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल वे से इसको बना रहे हैं ताकि आसानी के साथ हर कोई डोनट्स घर में बना सके। इसकी जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे। अगर इसकी डो हमने ज़रा से भी हार्ड रखी तो फिर क्या होगा कि जब हम डोनट्स फ्राई करेंगे तो वो भी हार्ड ही बनेंगे। तो देखिए कितना सॉफ्ट सा मैंने इसको गून लिया है, बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ बहुत अच्छे से। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मैंने गूंदा है। इसके बाद इसको रख देंगे कवर करके और तकरीबन इसको राइज होने में लग जाएगा 1/2 घंटा, क्योंकि आजकल थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है तो इसको टाइम लगेगा। अच्छे से कवर कर देंगे और इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर हवा का दखल ना हो। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर वाली जो सतह है वो बिल्कुल ड्राई ना हो, और अच्छे से कवर करके रख देंगे। और इसको मैंने बड़े बाउल में ऐड कर दिया था ताकि ये अच्छे से राइज हो सके। यहाँ पर देखिए मैंने इसको 1/2 घंटे के लिए ही रखा था। बहुत अच्छे से डो हमारी सेट हो चुकी है, राइज हो चुकी है। अब हमने हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। इसके जो बबल्स हैं वो अच्छे से निकाल लेंगे। अब डोनट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले काउंटर पर डस्ट कर लेंगे मैदा, और जितनी भी डो है उसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। इस तरह से हाथों की मदद से हमने थोड़ा सा फैला लेना है, ज़्यादा हमें रोलिंग पिन भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से सेट कर लिया है, और इसकी जो मोटाई है तकरीबन 1/2 इंच रखेंगे, क्योंकि एक दफ़ा से दोबारा हमने इसको स्टे दिलवाना है तो उससे ये बहुत ही राइस हो जाएगी और डोनट्स बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे। तो यहाँ पर बेलन की मदद से हल्का हल्का इसको बेल लिया है, और गिलास ले लेंगे एक, और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपके पास कटर मौजूद है उससे कट कर लीजिए, या फिर यही गिलास यूज़ कर लीजिए, आसानी के साथ कटिंग हो जाती है। तो कोई भी मैंने ऐसा टूल यूज़ नहीं किया जो कि स्पेशली हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए हो।
अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसके मिड में भी होल करेंगे, जिस तरह से डोनट्स में होल किया जाता है। तो यहाँ पर उसके लिए एक मैंने ढक्कन यूज़ किया है, आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर आपके पास डोनट मेकर है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो ये वाली सारे टूल्स यूज़ कर लीजिए, आसानी के साथ बन जाएंगे डोनट्स। इस टाइम पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो काइंडली मेरे चैनल मुल्तानी तड़का को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें। तो आसानी के साथ डोनट्स को अलग कर लेंगे, इसकी जो डो है उसको एक दफ़ा से दोबारा हम बेल लेंगे और उसे भी डोनट बना लेंगे। तो 3 कप मैदे से मैंने तकरीबन 15 के करीब डोनट्स रेडी किए थे। यहाँ पर एक बटर पेपर लिया है मैंने, उस पर डस्ट कर लिया है थोड़ा सा मैदा, और ये जो डोनट्स बना कर रखे हैं इस तरह से हम रखते जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमने स्टे दिलवाना है, तो इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से राइज हो जाए। और ये वाला स्टेप आपने ज़रूर करना है, स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको स्टे दिलवाया है, तकरीबन 7 मिनट के लिए रखा था। अब हमने इस टाइम पर इनको फ्राई करना है। तो ऑयल जो है वो आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। उससे क्या होता है कि इसकी जो ब्रेड है बहुत ही जालीदार बनती है, फ्लफ़ी से डोनट्स बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आता है इन पर। अगर आप बहुत ही हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे तो अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, ब्रेड भी नहीं बनेगी, जिस तरह से ब्रेड की जाली बनती है, फूलेंगे भी नहीं और हार्ड बन जाएंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई किया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लग गए थे, और जब लगा है कि एक साइड अच्छे से कुक हुई है तो इसको मैंने टर्न कर लिया है। तो इस रेसिपी में डोनट बनाने की मैंने सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दी हैं, तो न्यू बिगनर्स अगर ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम तो उनसे भी बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेंगे डोनट्स। दोनों साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से डोनट्स राइज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं हुए ये डोनट्स, बस यही स्पेशलिटी है कि डो बहुत अच्छी थी। तो अच्छे से मैंने इनको फ्राई कर लिया है, अब निकाल लेते हैं और इनको थोड़ा सा हमने ठंडा करना है और इसके ऊपर करेंगे हम टॉपिंग। तो सेम प्रोसेस से मैंने सारे ही डोनट्स फ्राई कर लिए हैं, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। तो माशाल्लाह से डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ली है आइसिंग शुगर, अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो चीनी को भी पीस कर आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे है बनाने का। इसी तरह से मैंने चॉकलेट ले ली थी, कुकिंग चॉकलेट, उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था, माइक्रोवेव में मैंने अच्छे से मेल्ट किया है, अच्छी तरह से विस्कर की मदद से विस्क कर लिया था और इन डोनट्स को डिप कर लिया है। तो दोनों प्रोसेस आप कर सकते हैं, अगर आपने सस्ते तरीके से बनाना है बिल्कुल तो आप चीनी वाला प्रोसेस कर लीजिए, आइसिंग शुगर वाला। अगर आप चॉकलेट वाला बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर से आप कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास ये स्प्रिंकल मौजूद हो तो ये ऐड कर लीजिएगा, आपके पास चॉकलेट चिप मौजूद हो तो वो ऐड कर लीजिएगा, कोई बिस्किट मौजूद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से फ्लफी से डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।